कैंट पुलिस ने अंतर जनपदीय जहर खुरानी करने वाले गैंग के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नंदा नगर अंडर पास से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मनीष जायसवाल उर्फ निक्कू पुत्र ब्रिज मोहन निवासी रामकोला रोड थाना पडरौना कोतवाली जनपद कुशीनगर, दूसरा राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय वेद प्रकाश निवासी अलीनगर दिलेजागपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, तीसरा उमेश ओझा पुत्र नित्यानंद ओझा निवासी मदरहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, चौथा विपिन पासवान पुत्र अक्षयवर पासवान निवासी दक्षिणी टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 6 पीस टार्च विदेशी कलाई घड़ी व दीवार घड़ी मोबाइल टॉफी काजू कागजात व बैग सहित 200 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 11 मार्च को पप्पू गुप्ता पुत्र अनुरोध गुप्ता निवासी पगरा पर सादगिरी थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर जो करीब 2 वर्ष बाद विदेश कुवैत से कमाकर वापस घर आ रहा था कि एयरपोर्ट गोरखपुर पर उतरकर वहां से टेम्पो बुक कर रोडवेज बस स्टेशन पर आए, जहां से पप्पू गुप्ता ने टेम्पो बुक कर कुसमी जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जाने के समय टेम्पो चालक ने ठंडा पीने की इच्छा जाहिर की। उसके साथ बैठे एक व्यक्ति ने उतरकर पेप्सी की बोतल खरीदी और सभी को गिलास में निकाल कर दिया। तब पेप्सी पीने के बाद पप्पू गुप्ता बेहोश हो गया और उनका पूरा सामान लेकर टेम्पो चालक और उसके साथी फरार हो गए। इस संबंध में 11 मार्च को थाना कैंट में पप्पू के घर वालों द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और 12 मार्च को होश में आने पर पप्पू गुप्ता अपने घर पहुंचे। उसके बाद थोड़ी तबीयत अच्छी होने पर थाना कैंट पहुंचकर घटना की तहरीर दिए, जिस पर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से लेकर समस्त अगल बगल के CCTV कैमरों से मिले साक्ष्य व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को टेम्पो नंबर के साथ सामान के से साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि इसी तरह हम लोग जो सीधे साधे ग्राहकों को भाड़े पर लेकर जाते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक या चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर सारा सामान लेकर चले जाते हैं। इससे पूर्व भी अभियुक्तों द्वारा अनेक घटना स्वीकार किया गया है और पहले की घटनाओं में अभियुक्त जेल भी गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनीष कुमार यादव, उप निरीक्षक अरविंद यादव, सुधांशु सिंह, अखिलेश कुमार, कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव, आनंद सिंह, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, रंजीत सिंह, कांस्टेबल वैभव श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव और राहुल शाह शामिल रहे।